और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का टीयर 2 का रिजल्ट आना था आज की तारीख में। सो द रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। टीयर 1 इसका ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका था, टीयर 1 प्लस 2 का रिजल्ट आना था, यानी कि टीयर 2 का बेसिकली रिजल्ट आना था जो कि पब्लिश हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, नहीं देखा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ रिजल्ट की खास बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आपके तीन पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, DEO फॉर द अदर देन कैग और फॉर द DEO पोस्ट इन द इन कैग, और तीसरा होता है DEO के अलावा जो पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट के लिए, जैसे PA, SA, जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट और LDC, इन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है आपका। तो जहाँ पर ये हैज़ लगाए हुए, इसका मतलब इनमें वैकेंसी नहीं थी, इसलिए इनका कोई कट ऑफ नहीं है। और टीयर 1 की जो DEO की कट ऑफ गई है वो 252.06 गई है, ये टीयर 1 प्लस 2 की है। ये एक बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि सिर्फ 22 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, क्योंकि वैकेंसी TEO की बहुत कम थी अदर देन कैग में। दूसरी जो बात होती है, कैग में जो DEO की पोस्ट है इसके लिए 299 UR के कैंडिडेट्स लिए गए हैं, इसकी जो कट ऑफ गई है वो 223 गई है, ST की SC की 181 और ST की 185, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टीयर 3 की जो लिस्ट 3 जो है वो PA SA जूनियर असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट और LDC की पोस्ट के लिए है। इसमें UR की जो कट ऑफ गई है वो 190.33 गई है, SC की 143 गई है, 133 OBC की, 133 ST की, OBC की 167, ठीक है। तो अगर आप लोग रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो PDF में अपना रोल नंबर डाल के चेक करिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं और उस वजह से उनको नहीं मिल रहा नाम, तो ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका रिजल्ट है टीयर 1 प्लस 2, और जिन बच्चों का क्लियर हो गया है उनसे मेरा सजेशन ये होगा कि बेटा टाइपिंग टेस्ट जो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका रीजनल ऑफिस में आपके होगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिए, टाइपिंग टेस्ट क्या क्या कैसे कैसे रिक्वायर्ड है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों के भी है उन सभी से मेरा सजेशन ये होगा कि अगले कुछ दिनों तक अपना CGL पे पूरा फोकस बना के रखिए। रिजल्ट आ गया बहुत अच्छी बात है, आपने क्वालिफाई कर लिया वो भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भटकिए नहीं इधर उधर, पूरा फोकस आपका CGL पर रहना चाहिए अभी, क्योंकि पहले CGL कर लो, क्योंकि अभी 10-15 दिन में ये इसका टाइपिंग नहीं करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप CGL पे फोकस करिए और उसके तुरंत बाद आप CGL इसकी टाइपिंग में जुड़ जाइए और अच्छे से टाइपिंग कर लीजिए, ठीक है। तो जो मार्क्स हैं जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, मार्क्स जल्दी ही वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं उन लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, और दीज आर सम रिजल्ट्स जिन लोगों ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, त्रिवेदी अमन 25 नाम से मेरा फेसबुक पेज है, ऐट सर्च करेंगे ऐट लगा के तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च करना है तो @AmanTrivedi लगाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो t.me/AmanTrivedi आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, सीधे आप @AmanTrivedi लिख के सर्च भी कर सकते हैं। और रही बात आगे की क्लासेस की, देखिए बहुत जल्द आपको क्लासेस यहाँ पे वापस से मिलेंगी, बीच में मैं बीमार हो गया था जिसकी वजह से आपकी क्लासेस बंद हो गई, और 1 मार्च से मैं कोशिश करूँगा वापस से आपकी क्लासेस रिज्यूम करने की, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी SSC CHSS से रिलेटेड रिजल्ट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।